तो चलो भाई, आज मैं आपको बताता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को कैसे मारा और कैसे अफजल खान ने क्रूर नीति से छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे फंसाया था। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं को खदेड़ कर इस हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार मराठा साम्राज्य का डंका बजाया और सफलतापूर्वक हिंदवी स्वराज की स्थापना की, हिंदू धर्म को नवसंजीवनी प्रदान करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदुस्तान की पांचों इस्लामिक सल्तनतें दीन का दुश्मन यानी इस्लाम का दुश्मन कहती थी, तो दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज के इस बढ़ते साम्राज्य को देखकर दक्षिण भारत की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी बीजापुर की आदिशाही सल्तनत शिवाजी महाराज के नाम से थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि शिवाजी महाराज ने आदिशाही सल्तनत की दीवारों को तोड़कर उनसे एक से एक बढ़िया किलों को जीत लिया था। तब बड़ी बेगम यानी आदिल शाह की मां को समझ नहीं आ रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते साम्राज्य को कैसे रोका जाए, इसलिए बड़ी बेगम ने एक दिन दरबार में सभी ताकतवर सूरमाओं को इकट्ठा किया और कहने लगी, कौन पकड़ के लाएगा उस शिवाजी को। तब दरबार में जमे सभी सरदारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के डर से अपनी गर्दन नीचे झुका ली, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवाजी महाराज से युद्ध करना मतलब मौत को दस्तक देना है। तब गुस्से में बड़ी बेगम बोली, क्या हमारे दरबार में एक भी मर्द नहीं बचा है जो उस शिवाजी को पकड़कर हमारे कदमों में ला सके। तभी ऐसे में एक सरदार आगे आया जो लगभग 7.5 फीट का था, जिसका नाम था अफजल खान, जो मूल रूप से उज़्बेकिस्तान से था, और वो कहने लगा, मैं लाऊंगा शिवाजी को जिंदा या मुर्दा। अफजल खान की इस आवाज से आदिलशाही दरबार को एक बड़ी राहत मिल गई और दरबार के सभी लोग खुशी के मारे झूम उठे, क्योंकि इससे पहले अफजल खान ने मुगल बादशाह औरंगजेब को भी धूल चटा दी थी। ये अफजल खान आदिलशाही सल्तनत का सबसे ताकतवर और हुक्म का इक्का था। वो इतना ताकतवर था कि अगर वो किसी को अपनी बाहों में जकड़ ले तो उसकी वही तुरंत मौत हो जाती थी, और वो इतना क्रूर था कि शिवाजी महाराज से युद्ध करने से पहले उसने अपनी 63 बीवियों को कुएं में डुबाकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही था कि अगर शिवाजी महाराज से युद्ध करते समय उसकी मौत हो जाती है तो उसकी ये बीवियां किसी और के साथ शादी ना कर ले। अब अफजल खान शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए बीजापुर से निकल पड़ा, जिसके साथ 12,000 घुड़सवार, 11,000 पैदल सैनिक, 1,500 बंदूकधारी सिपाही, 85 हाथी, 1,200 ऊंट और 80 से 90 बड़ी तोपें थी। तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के पास केवल 7,000 सैनिक और 6,000 घुड़सवार थे। अफजल खान को महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों पर अपने घोड़े, हाथी, तोपे लेकर चढ़ना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सह्याद्री पर्वत की सैर सिर्फ 3 ही लोग कर सकते थे, पहला बाघ, दूसरा तूफान और तीसरे मराठे। इन तीनों के अलावा सह्याद्री पर्वत की सैर करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। इसलिए अब अफजल खान ने रास्ते में आने वाले मंदिरों को तोड़ना, मंदिर के सामने गौ माता काटना, मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों की जबान काटना, गांव के गांव जला देना, हिंदू लड़कियों का अपहरण करना, बलात्कार, धर्म परिवर्तन जैसे अनेक घिनौने कृत्य करता चला गया। और इतना ही नहीं, अब अफजल खान अखंड महाराष्ट्र की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी के मंदिर में जाकर पहुंचा और माँ जगदम्बे पर हथौड़े से वार करके मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध मंदिर पंढरपुर को उध्वस्त करके मंदिर के अंदर गौ माता का कत्लेआम किया, और ये क्रूर अपनी नंगी तलवार बाहर निकालकर बोला, कोई हिंदू है जो हमारे सामने आ सके। जो भी अफजल खान के खिलाफ बोलने की कोशिश करता तो उसकी जबान काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस प्रकार अफजल खान ने पूरे महाराष्ट्र में अपना आतंक मचा कर रखा था। अफजल खान को आदिलशाही दरबार में 2 पदवियां मिली थी। पहली थी उर्फ शिकन यानी काफिरों की यानी हिंदुओं की हत्या करने वाले, और दूसरी थी बुत शिकन यानी हिंदुओं के मंदिर तोड़कर उनकी संस्कृति को ध्वस्त करने वाले। अफजल खान का हिंदुओं पर अत्याचार करने का कारण सिर्फ एक ही था,
कि वो ऐसा करेगा तो हिंदवी स्वराज्य पर हो रहे अत्याचार को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोधित हो जाएंगे और वो खुद ही उसके सामने आ जाएंगे। अफजल खान के इस घिनौने कृत्य पर शिवाजी महाराज को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर शिवाजी महाराज का एक गलत कदम और स्वराज्य खत्म, यही तो अफजल खान चाहता था। और इतिहास रातों रात नहीं बदला जाता, इसलिए शिवाजी महाराज सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उस दौरान अफजल खान ने अपने खास वकील भास्कर कुलकर्णी के हाथों शिवाजी महाराज को एक पत्र भेजा, जिसमें वो लिखता है कि जो भी किले और प्रदेश तुमने आदिलशाही सल्तनत से जीते हैं उसे तुरंत वापस कर दो, हमारी माफी मांगकर अधीनता स्वीकार कर लो। तुम अपने आप को स्वयं घोषित राजा मानकर किसी से भी ना डरते हुए अपने मन चाहे निर्णय लेते हो, इसलिए मुझे आदिलशाही सल्तनत ने तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा है। ऐसी बहुत सी बातें अफजल खान ने उस पत्र में लिखी थी। शिवाजी महाराज बहुत चालाक और बुद्धिमान योद्धा थे, इसलिए उन्होंने अफजल खान का ये पत्र पढ़कर उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया और जवाब में अपने वकील गोपीनाथ पंत के हाथों उसे एक संदेश भेजा, जिसमें शिवाजी महाराज अफजल खान को लिखते हैं, आप पृथ्वी जगत के एक अनमोल हीरे हैं, आपसे युद्ध करना मतलब आग से युद्ध करना है, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे बहुत डरा हुआ हूं, अगर आप प्रतापगढ़ के किले पर आएंगे तो अच्छा होगा, मेरा सारा डर निकल जाएगा। शिवाजी महाराज का यह पत्र पढ़कर अफजल खान बहुत खुश हुआ और उसे पूरा यकीन आ चुका था कि शिवाजी महाराज उससे बहुत डरे हुए हैं, इसलिए वो तुरंत अपनी सेना को लेकर प्रतापगढ़ के किले पर आ पहुंचा, जिसके बाद अफजल खान और शिवाजी महाराज की मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ किले के ठीक नीचे एक खास नक्शेदार शामियाना बनाया गया और अंत में शर्त अनुसार ये भी तय हुआ कि मुलाकात के दौरान दोनों को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 10 योद्धाओं को लेकर आना होगा, जिसमें से केवल उनके वकील ही शामियाने के अंदर उपस्थित होंगे। पर छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान के छल कपट से पहले ही परिचित थे, क्योंकि इससे पहले उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे भोंसले की धोखे से हत्या की थी, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। उन्होंने माँ जगदम्बे का स्मरण किया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने साथ भवानी तलवार ली और अपनी सुरक्षा के लिए कपड़ों के अंदर चिलखत नाम का एक सुरक्षा कवच पहना और अपनी उंगलियों में वाघ नख नाम शस्त्र छुपाए रखा था। 10 नवंबर 1659 को आखिरकार वो दिन आया जब दोनों योद्धा एक दूसरे के आमने सामने आए। अफजल खान पहले से शिवाजी महाराज के स्वागत के लिए तैयार बैठा था, असल में मुलाकात तो सिर्फ बहाना था, अफजल खान धोखे से शिवाजी महाराज को मारना चाहता था। अब अफजल खान शिवाजी महाराज से गले मिलने के लिए आगे बढ़ा और अफजल खान हंसते हुए बोला कि आओ आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ। जब शिवाजी महाराज अफजल खान के गले मिलने के लिए पास गए और तभी अफजल खान ने शिवाजी महाराज की गर्दन को अपनी बाजुओं में जोर से जकड़ लिया और अपनी कमर से कट्यार निकालकर शिवाजी महाराज की पीठ पर जोर से वार किया। पर शिवाजी महाराज ने पहले से ही चिलखत पहन रखा था, इसलिए अफजल का ये पहला वार नाकाम गया। इससे अफजल खान हड़बड़ा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कट्यार शिवाजी महाराज की पीठ में क्यों नहीं घुस रही है। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी उंगलियों में छुपाए हुए बाघ नख को बाहर निकाला और सीधे अफजल खान के पेट में खुसेड़ दिया। अफजल खान का पूरा पेट बाघ नख से फाड़ दिया, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई। अफजल खान जोरों से चिल्लाने लगा, या अल्लाह दगा दगा। उसके ये शब्द सुनकर अफजल खान का अंगरक्षक सैयद बंडा शामियाने में दौड़ता हुआ चला आया और वो शिवाजी महाराज पर पीछे से वार करता। तभी शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवाजी महाले ने सैयद बंडा का हाथ काट कर हवा में उड़ा दिया। इसलिए मराठी में एक कहावत प्रसिद्ध हुई, होते जीवा महणून वाचले शिवा। लेकिन अभी भी अफजल खान के शरीर में जान बची हुई थी, इसलिए अफजल दौड़ते हुए शामियाने के बाहर आया और वो शिवाजी महाराज को पकड़ने की कोशिश करता। तभी शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार उसके शरीर में घुसाड़ कर वहीं पर उसे खत्म कर दिया और इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों एक क्रूर राक्षस का अंत हुआ। दोस्त अफजल खान अपने तारीफ में खुद के सिक्कों पर कुछ इस प्रकार लिखता है कि गरार जगुनाद सिपहर अल्लाह फजल फुजला व फजल अफजल अज हर मुल्क बजाए तस्वी आवाज आयद अफजल अफजल।
इसका मतलब अगर बड़े से बड़े आसमान से पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ इंसान कौन है, तो सभी जगह से एक ही नाम आएगा, अफजल। अफजल ऐसी खुद की तारीफ करने वाले अफजल खान को शिवाजी महाराज ने 1.5 मिनट में अल्लाह के पास पहुंचा दिया था। अफजल खान की मृत्यु होते ही शिवाजी महाराज ने तोप चलाने का आदेश दिया ताकि जंगल में छुपे मावलों को पता चले कि शिवाजी महाराज ने अफजल का वध कर दिया है, और वो शूर मावले अफजल खान की सेना पर उनका काल बनकर टूट पड़े। इस घटना के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हिंदुस्तान की सभी सल्तनतें थर थर कांपने लगी और शिवाजी महाराज की ख्याति देश विदेश में हवा की तरह फैल गई। और ये सबको समझ आ चुका था कि शिवाजी महाराज कोई आम राजा नहीं है। इस तरह से शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य पर आए बड़े संकट को अपनी सूझबूझ और ताकत से आसानी से निपटा दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।